Hello friends, how are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. Friends, आज हम kids craft में ladybug सीखेंगे cement से बनाना और इसे हम interior में भी use कर सकते हैं और as a paperweight भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ladybug बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो देख लेते हैं. ये हमने black cement लिया है. नाइफ की जरूरत पड़ेगी, कोई एक स्टिक लेनी है, नेल चाहिए हमें, बैक साइड इसका यूज करेंगे और ये दो हमें वायर्स चाहिए होंगे सेम साइज की और इसके साथ साथ हमें पानी की जरूरत पड़ेगी. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. सीमेंट का कोई भी काम करने से पहले हमें ग्लव्स पहनने जरूरी हो जाते हैं और अभी हम सीमेंट में धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे. हाथों से इसे मिक्स करते हैं. इसको हमने हाथों से इस तरीके से राउंड शेप देनी है. तो ये हमारा राउंड सीमेंट का तैयार हो गया है. अभी हम इसे कट करते हैं. सेंटर में इसे हम कट करेंगे. कट करने के बाद हमारे पास ये दो पोर्शन आ जाएंगे सीमेंट के. एक से हम पहले स्टार्ट करेंगे. ये राउंड पोर्शन आ गया है हमारे पास. इसको हम सीधा रखते हैं. थोड़ा सा आगे से प्रेस करके हल्की सी फेस की शेप देनी है. बैक पोर्शन से स्टिक लेकर यहां से लेकर पीछे तक हमें इम्प्रेशन एक क्रिएट करना है जो कि हम किसी भी नाइफ से या फिर शार्प चीज से कर सकते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉडी का पोर्शन जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया है. अभी हम कोई भी राउंड शेप की चीज लेंगे. आप नेल भी ले सकते हो, इस तरीके की कोई स्टिक भी ले सकते हो. इससे हम इसकी बॉडी में डॉट्स क्रिएट करेंगे. हल्का पानी लगाकर इम्प्रेशन बना सकते हो, इजीली बन जाते हैं. ऐसे ही हम दूसरी साइड पर भी थोड़ा प्रेस करते हुए इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे.
कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इसको इसके फेस को डिफाइन करेंगे, कोई भी शार्प चीज लेते हुए हमें इसको डिफाइन करना है। वायर लेंगे और इसको थोड़ा टर्न करते हुए शेप देंगे। और इसको हम आगे सेट कर देंगे। ये हमारा सीमेंट का लेडीबग रेडी हो गया है और अभी हम इसे ड्राई होने के लिए 24 आवर्स रखेंगे, उसके बाद हम कलर करेंगे। ये हमने दूसरा लेडीबग भी रेडी कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे ड्राई करने के बाद पेंट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 24 आवर्स के बाद हमारे लेडीबग जो है वो ड्राई हो चुके हैं, अच्छे से सीमेंट ड्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छे देखिए इसका इफेक्ट है। अभी हम इसको थोड़ा साफ करके सैंड पेपर से इसको थोड़ा थोड़ा फिनिश करेंगे, नीचे से जो अनइवन थोड़ा सा सीमेंट है उसको निकाल देंगे सैंड पेपर की मदद से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीमेंट का लेडीबग तैयार हो गया है, अभी हम इसको कलर करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने कलर करने के लिए इनेमल पेंट लिया है और ये ड्यूलेक्स का इनेमल पेंट है। इसमें हम रेड कलर यूज करेंगे, व्हाइट और ब्लैक की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं कलर करना। सबसे पहले हम रेड कलर लेंगे और इसके विंग्स को रेड से कोट करेंगे। इसके विंग्स को रेड कलर दिया है, अच्छे से रेड कलर से कोट कर देना है आपको। ऐसे ही हम दूसरे लेडीबग को भी साथ में कोट कर देंगे रेड कलर से। और ब्लैक कलर इसका फेस यानी फ्रंट पोर्शन हम इसे ब्लैक कलर से और इसके आईज के चारों तरफ हमें थोड़ा खाली रखना है क्योंकि वहां पर व्हाइट कलर आएगा।
और इसको भी हम ब्लैक से कोट कर देंगे। इसको हल्का सूखने देंगे और उसके बाद हम बॉडी के अंदर ब्लैक कलर का कोटिंग देंगे। वहां पर भी हमें ब्लैक कलर फिल कर देना है। और आईज के आसपास व्हाइट कलर की कोटिंग देंगे कुछ इस तरीके से। सेंटर में हम ब्लैक कलर फिल करेंगे। बस हमारे बने हैं। इसको हम इंटीरियर में यूज कर सकते हैं, बच्चों के रूम में यूज कर सकते हैं, एज अ पेपर वेट यूज कर सकते हैं, या बहुत तरीके हैं इसको यूज करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको भी ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो उसको जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जल्द से जल्द जब भी मेरा वीडियो नया आए तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन, बाय बाय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लेडीबग की फाइनल लुक। और ये सीमेंट लीफ है, इसके ऊपर हमने अरेंज किया है। अगर इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी।